सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सोच अच्छी हो तो विचार भी अच्छे होते हैं, सोच बुरी हो तो विचार भी गंदे ही आते हैं लोगों को। अकेले चलना सीख लो, जरूरी नहीं जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ रहे। झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे भी आता है। इसी तरह अगर जिंदगी का झूला भी पीछे जाए तो डरिए मत, वो आगे भी आएगा। बुरे वक्त में ही सबके असली रंग दिखते हैं, दिन के उजाले में तो पानी भी चांदी लगता है। आज का पंचांग 7 नवंबर 2023 दिन मंगलवार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि सुबह 8:23 तक रहेगी। मघा नामक नक्षत्र शाम 4:24 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:56 से 4:18 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:50 से 12:30 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। कर्क राशि 7 नवंबर 2023 दिन मंगलवार, आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और आज आपको इसके लिए कई अच्छी संस्थाओं से प्रस्ताव भी मिलेंगे। छात्रवृत्ति भी मिल सकती है, कोई आपका फायदा उठाने की ताक में है। प्रारंभिक व्यवस्था करते हुए और सूचनाएं एकत्रित करने में सावधान रहें। आज किसी संबंधी के साथ चल रहे मनमुटाव को दूर करने के लिए आपका प्रयास काफी हद तक सफल रहेगा और आप तनाव मुक्त होकर अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे। बच्चों की शिक्षा और करियर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। जिन बातों से आपका काम रुका हुआ है उनसे संबंधित विचारों का गहराई से अवलोकन करें। मित्रों से मिली सलाह आपके लिए उपयुक्त साबित हो सकती है। सलाह पर अमल करने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण कामों में अपनी मर्जी के अनुसार बदलाव करना संभव होगा। काम और कॉन्फिडेंस संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए प्रभावशाली लोगों का साथ मिलेगा। लव रिलेशन से जुड़ी बातों पर गहराई से विचार करके निर्णय लेने होंगे। फांसी को नजरअंदाज ना करें, पिछले अनुभव से सीख लें और अपने जीवन शैली में कुछ बदलाव करें। आज आपको जीवन में चल रही परेशानियों से राहत मिलेगी। जल्दबाजी में कोई फैसला न ले, सावधान रहें। कोई अनजान व्यक्ति दिक्कत दे सकता है, आज किसी की बातों में ना आए, सावधानियां। अचानक से कुछ ऐसे खर्चे सामने आएंगे कि उस पर कटौती भी संभव नहीं होगा। दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करना आपके लिए मुश्किलें और मानहानि पैदा कर सकता है। बेहतर होगा कि फालतू बातों में ध्यान न देकर अपने कार्यों के प्रति एकाग्रचित रहें। बात करते हैं लव लाइफ की। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो कोई तीसरा पक्ष आपकी लव लाइफ में काफी हस्तक्षेप कर सकता है और गंभीर गतिविधियां और गंभीर गलतफहमियां पैदा कर सकता है। आपको अपनी और पार्टनर की भी भावनाओं का विश्वास करना सीखना चाहिए। दूसरों की बातों पर अधिक ध्यान देने के बजाय अपनी भावनाओं पर अधिक ध्यान दें। आपको जो प्रोफेशनल मुद्दे परेशान करते हैं उनके बारे में भी अपने पार्टनर से भी बात करनी चाहिए। वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहेगी तथा घर में सुकून भरा और खुशनुमा माहौल रहेगा। प्रेमी युगल को मुलाकात का मौका भी मिलेगा। बात करते हैं करियर की। वर्तमान व्यवसाय की स्थिति में सुधार होगा, नए उपलब्धियां मिलने की संभावना है। अपने कार्य क्षेत्र में जो बदलाव किए हैं उसकी भी भविष्य में बेहतर परिणाम हासिल होंगे, लेकिन उधारी के मामलों में अपना पैसा ना फंसाएं तथा लेन देन करते समय पक्के बिल का प्रयोग करें। कार्य क्षेत्र में आपका जीवन संतुलित रहेगा। आप अपने प्रभावशाली नरम कौशल के लिए जाने जाएंगे। आपको और अधिक ज्ञान पाने के लिए कई अवसर मिलेंगे तथा आप अन्य लोगों के साथ इस ज्ञान को साझा भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों में आपको भारी वित्तीय नुकसान भी हो सकता है। बात करते हैं सेहत की। असंतुलित खानपान और दिनचर्या की वजह से पेट खराब रह सकता है तथा गैस और वायु की समस्या भी परेशान कर सकती है। आप अपने रूटीन को बदलने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अच्छी तरह से सोचे बिना इसे ना बदलें।
आप भविष्य के बारे में सोचते हुए अपने वर्तमान को भुला देती हैं। इससे बचें, अपनी वर्तमान जीवन शैली में फिलहाल कोई बदलाव ना करें, उसका मजा लें। अगर आप अकेले रह रही हैं तो आपकी सेहत पूरी तरह आपके हाथ में है। आज का उपाय, आज आप पैरों में फिटकरी रखने से बुरे सपनों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।